हाँ, कहाँ भेजने हैं प्रदर्शनकारी? जंतर मंतर। अच्छा, कितने लौंडे चाहिए? बस 20। अरे हो जाएगा हो जाएगा। हाँ पत्थरबाजी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। बस अरे वहाँ से कश्मीर से एक बस मंगानी पड़ेगी, तो थोड़ा टाइम लगेगा। और क्या? हाँ यार, अरे नहीं नहीं वो नारेबाजी वगैरह कैंपस में वो सब जो है वो पार्ट टाइम है अपना। अरे फुल टाइम के लिए चाहे सेना हो, सेना हो, युधिष्ठर हो या मुगल सेना हो, ठीक है, इन सब के मेन ऑर्गेनाइजर अपन ही है। अरे अभी आए हैं ना, तुम्हारा वो भाई भी अभी पॉलिटिकल पार्टी के लिए अप्लाई कर रहा है। हाँ हाँ तो उसके लिए लगता है ना सर्टिफिकेट ऑफ आजकल सेक्स अभी क्या लिखा है सेक्युलरिज्म। हाँ सर्टिफिकेट ऑफ सेक्युलरिज्म, अभी 60 सेकंड में अंदर और 60 सेकंड में सर्टिफिकेट लेके बाहर। हाँ सर्टिफिकेट, अरे वो घंटी टंडन आ रहे हैं, जा रहे हैं। हमें चाहिए आजादी मनुवाद से आजादी। अरे क्या बात भाई, दिल खुश कर दिया। बैठो 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 बैठो, क्या चाहिए? सैंपन है, विस्की है, मटन है, चिकन है और यमी है भाई ये भी। अरे सर वो इलेक्शन का टाइम है और आजकल मैं जनेऊधारी ब्राह्मण। हम भी पहने हैं, तुमको तो पता है जरूरत पड़ने पर निकालना पड़ता है। अच्छा तो सर्टिफिकेट ऑफ सेकुलरिज्म चाहिए? हाँ सर वही सर्टिफिकेट ऑफ सेकुलरिज्म। तो बताइए क्या क्या किया है आपने? अरे सर वो जे एन यू में जो रेडिकल का नया कोर्स आया था तो वो हम पूरा किए हैं, और जिन्ना वाला मसौदा जो था उसमें पूरे 50 लौंडे हम सप्लाई किए थे। सीवन बलून वाला जो फेक खबर फैली थी पूरा अपना ही हाथ था सर, और जो फेसबुक पे आजादी वाला जो वीडियो वायरल हुआ उसे बकायदा हमारा चेहरा ना पूरा ऐसा फोकस में था कसम से, और हम ही थे पूरे एकदम बढ़िया से, और फोटोशॉप तो बखूबी आता है सर। उम्दा है क्रेडेंशियल बंदे तो भाई, और बताओ क्या कर सकते हैं तुम्हारे? सर ये कुछ हमारे जात प्रमाण पत्र वगैरह हैं और कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, बड़ी जुगाड़ करके बनाए। अब आप हमें शर्मिंदा और लज्जित कर रहे हैं कॉमरेड सर, हैं आपके लिए तो बस लाल सलाम है। लाल सलाम सर। नाम क्या है तुम्हारा? सर कुमार। तुम कुछ पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर रहे थे ना? हाँ कल ही कर रहे हैं। अरे क्यों, हमारे यहाँ प्रोफेसरशिप देते हैं। अरे सर हमारी क्या है अभी हमारी। अरे तो हमारे ऊपर कौन सी पड़ी है भाई, हमारे यहाँ जो है प्रोफेसर की उम्र वाले लड़के लोग स्टूडेंट लीडरशिप कर रहे हैं, और जो स्टूडेंट है वो तुम देख ही रहो, हम डीन बन के बैठे भैया, आओ तुमको प्रशिक्षण देते हैं सर। लेकिन अरे आओ 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 कुमार बैठो। तो बताइए क्या लेंगे? सर वो फिल्टर कॉफी। अच्छा कॉफी, पा गया कॉफी। नेक्स्ट जैन सर। आ गया साला भक्त। सर मैं मास्कॉम का स्टूडेंट हूँ, वो टीवी के लिए अप्लाई किया है, तो सेक्युलरिज्म का सर्टिफिकेट की जरूरत थी अगर। ऐसे मिलता है सर्टिफिकेट? तो कैसे मिलता है सर? जात क्या है तुम्हारी? मतलब सर? अरे मतलब अपर कास्ट के हो, लोअर कास्ट के हो, दलित हो, ब्राह्मण हो, क्या हो? अपर कास्ट हो सर। देखो बेटा अपर कास्ट के हो तो मुश्किल है, पर ट्राई करते हैं। ये बताओ कश्मीर के बारे में क्या ख्याल है? देश का अभिन्न हिस्सा है सर। आर्टिकल 370 नहीं होना चाहिए सर। कॉमन सिविल कोड? सर देश में तो सभी लोग एक बराबर ही होने चाहिए ना सर। अच्छा क्या है कुमार? अस्पा के बारे में क्या ख्याल है? अस्पा सर ASPA। हाँ वही चुतस्पा। सर मेरे डैड आर्मी में है, तो इंडियन आर्मी के बारे में जरा तमीज से बात कीजिए आप। यू नो इंडियन आर्मी रेप्स? देयर इज नो सच थिंग सर। कोई प्रूफ है आपके पास? अरे वो है ना सोफियान डबल रेप एंड मर्डर केस, लास्ट फेंक दिया था महाराज, रेप करके मर्डर करके नदी में फेंक दिया था लड़की का लास्ट। सीबीआई इंक्वायरी में पता चला था कि डॉक्टर शोफी ने कश्मीरियत का झंडा बुलंद करने के लिए अपना सीमन वजाइनल स्वैब में डाल दिया था सर, प्रोपेगेंडा था। हाँ ठीक है, तुम देश के 5 सांप्रदायिक दंगों के बारे में बताओ यार। भागलपुर दंगा, 1984 दंगा, मुजफ्फरनगर दंगा, 2002 दंगा और मऊ दंगा। मऊ? मऊ दंगा क्या भाई? याद रहे हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही दंगा हुआ था सांप्रदायिक, 2002। कौन सा? 2002। उसके पहले भी नहीं और उसके बाद भी। तो सर उसके अलावा सारे दंगे सेक्युलर थे क्या?
देखो बेटा, सवाल जो है ना हम करेंगे, तुम सिर्फ जवाब दोगे यहाँ पर, ठीक है? ओके सर। अच्छा चलो ठीक है। कभी JNU में अप्लाई किया हो? नहीं सर। AMU? नहीं सर। जामिया मिलिया? नहीं सर। ठीक है, मास्कम किया हो ना, FTII तो अप्लाई किया होगा? नहीं किया सर। अच्छा ठीक है, आजादी के बारे में क्या सोचते हो भाई? सर अंग्रेजों के खिलाफ हम सब ने मिल के जंग लड़ी थी और बहुत मुश्किल से आजादी। वो आजादी नहीं, कश्मीर की। अरे क्या बात कर रहे हैं सर, ये तो देश के देशद्रोह बोलने वाला था तुम? नहीं नहीं सर, देशद्रोह नहीं बोला सर, देशद्रोह नहीं बोला, मैंने कहा देश के हित में नहीं है सर। अच्छा ठीक है सर, देश के हित में नहीं है। मोहम्मद अली सर, वो तो सर बॉक्सिंग की दुनिया के भगवान थे सर, मोहम्मद अली। मोहम्मद अली जिन्ना। सर क्या बात कर रहे हैं सर, बंटवारा करा दिया उन्होंने सर। वो तो RSS ने करा सर, लेकिन वो टू नेशन थ्योरी मुस्लिम 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 नहीं सर, मुस्लिम नहीं बोला सर, मुस्लिम लीग बोला सर, प्लीज मुस्लिम लीग। बोल कैसे रहा है? मूड हल्का करते हैं, कभी मंदिर गए हो? नहीं नहीं गया हूं सर। टीका तो लगवाए हो गए? नहीं नहीं टीका तो लगवाई हो नहीं सर। तुम झूठ बोल रहे हो, ये सर्टिफिकेट ऑफ सर ये सेक्युलरिज्म के चक्कर में झूठ बोल रहे हो। नहीं सर, नहीं गया सर। अच्छा अगर कभी गए भी होगे ना तो नहीं जाना, क्योंकि जो लड़के मंदिर जाते हैं ना वो लड़कियां छेड़ते हैं। सर देखिए ये जरूरी तो नहीं है कि जो मंदिर जाते हैं वो भी जरूरी नहीं है कि हम तुमको सर्टिफिकेट ऑफ सेक्युलरिज्म दे दें, समझे? ये बताइए लड़कियों के बारे में क्या ख्याल है आपके? मैम लड़कियां तो कुदरत का बनाया नायाब। यू आर ऑब्जेक्टिफाइंग द जेंडर मिस्टर। नहीं नहीं मैम, ये कह रहा था मैं कि लड़के और लड़कियां एक दूसरे के पूरक हैं। ये कैसे कह सकते हैं आप? लड़कियां लड़कियों के पूरक हो सकती है, लड़के लड़कों के पूरक हो सकते हैं, वो भी हो सकता है। हाँ मैम, लेकिन वो बच्चे तो पैदा नहीं कर सकते ना। Haven't you heard of IVF? सरोगसी, जेंडर भी तो चेंज होता है। लेकिन मैम वो तो बहुत मुश्किल और खर्चे वाला काम होता है ना। आप एक हाइपर नेशनलिस्ट ही नहीं, आप एक पैट्रियार्क भी हैं। हाँ मैम, पैट्रियोटिक तो हूँ मैं। पैट्रियोटिक नहीं, पैट्रियार्क कहा मैंने। क्या मैडम? पैट्रियार्क का मतलब एक पितृ सत्ता के समर्थक हैं आप। आपको ये सर्टिफिकेट नहीं मिल सकता, नॉट नाउ नॉट एवर। तो हम ये कह रहे थे ना बेटा कि तुम्हारा सर्टिफिकेट ऑफ सेक्युलरिज्म कैंसिल कर रहे हैं। क्यों सर? क्यों? क्योंकि तुम हाइपर नेशनलिस्ट हो, जिंगोइस्ट हो, पैट्रियार्क हो, और तो तुम एंटी मुस्लिम भी हो भाई। क्या मैं एंटी मुस्लिम कैसे हो गया? आजादी के नारे नहीं लगाते, JNU से नफरत करते हो, जिन्ना साहब से नफरत करते हो, और तुम मुसलमान से भी नफरत करते हो। तो मैं मुसलमान से नफरत कैसे करता हूं मैं? अरे तुम ही ने कहा था ना कि मुसलमान लीग ने हिंदुस्तान का, हाँ तो करवाया था ना सर, जिन्ना ने और मुस्लिम लीग ने हिंदुस्तान का बंटवारा करवाया था ना। तुम कश्मीर से नफरत करते हो। अरे सर कश्मीर वो तो हमारे भाई हैं, हमारे हमवतन है वो। तुम पाकिस्तान से नफरत करते हो सर, वो 26/11 सर वो, अरे अब तो नवाज शरीफ ने भी एक्सेप्ट कर लिया। तुम मुसलमान से नफरत करते हो। मैं मुसलमानों से नफरत नहीं करता हूँ। तुम मुसलमानों से नफरत करते हो। मैं मुसलमानों से नफरत नहीं करता हूँ क्योंकि मैं एक मुसलमान हूँ, मैं खुद एक मुसलमान हूँ सर। ए पत्थर नीचे रख, नीचे रख पत्थर। बैठे बैठे बैठे। तुम अपर कास्ट, जय हिंद बोलने वाले, आर्मी ब्रैट, यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन करने वाले, एंटी मुस्लिम हो भाई या मुसलमान हो? मेरा नाम समर सैयद है सर, और ये सैयद काजमी और शाह ये लोअर कास्ट कब से हो गए? और वैसे आप लोगों के कहने का मतलब क्या है कि मुसलमान क्या इंडियन आर्मी में नहीं जाते या वो जय हिंद नहीं बोलते? सर लेफ्टिनेंट जनरल PM हारिज एक मुसलमान है, और मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि देश में सबके लिए एक जैसे कानून की मांग करना ये एंटी मुस्लिम कब से हो गया? और एक बात बताओ सर, आपके इस झूठी सेक्युलरिज्म की वजह से ना माइनॉरिटीज का सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो आप एक काम कीजिए ना सर, आपका ये झूठा सेक्युलरिज्म और आपका ये सर्टिफिकेट ना आप डाल लीजिए, ठीक है? ये पक्का IT सेल का ट्रोल है। बिल्कुल सर, वो आपका कॉलर है। हेलो जी, अविनाश मेरा छोटा भाई। हाँ हाँ, कश्मीर गया था। What the...
क्या? पर वो तो कश्मीरियों से प्यार करता था, आजादी से मोहब्बत थी उसे। Thank you.